झाड़ू भी नहीं लगाया, वाप ऐसे पड़ा हुआ सारा कूड़ा। और देखिए सारा, मैंने छतरी वो ही रखी थी, हम गए थे जब दवाई को, तो ऐसे पड़ा हुआ सारा सामान। मैं सारा सामान उठा लेती हूँ और फिर करती हूँ आप साथ बातचीत। फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना है और मैंने मेरे पे ऐसे ही रबी सामान रखा, और ये सूट मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से उठाया मैंने इसको। बाद में मैं उसमें रखूँगी थैली में, बेड में। और मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। और अभी टाइम हुआ है कितना, उठ तो मैं कब के गई थी 7 बजे, और काम नहीं करी थी, पानी लगाया हुआ गर्म करने के लिए। और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू पोछा। सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और अब मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो ऐसे ऐसे स्टिक करने वाली थी दूसरे पोछे स्टिक, पोछा स्टिक, वो ख़राब हो चुकी है। और अब मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, और हाथ से अच्छा लगता है, लगता था उससे भी बहुत अच्छा है, पर ये है कि कभी कभी कोने कोने रह जाते हैं, तो उससे हाथ से साफ़ करने पड़ते हैं अच्छी तरीके से। और अब ये आलू मैंने उबाल दिए हैं, और अब इसके मैं बाहर के छिलक निकाल देती हूँ और फिर बनाती हूँ एक रेसिपी। मैंने आलू की कटिंग कर दी है, आप ऐसे बारीक बारीक करके इसको काटें, पतले पतले करके टुकड़े बना दें इसके। और आलू को ज़्यादा नहीं बना पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा कम ही पकाना है। और ये मैंने इसमें जो मुझे मसालों की ज़रूरत है ये मैंने सब निकाल लिए है। ये है मिर्च और किचन किंग, हल्दी, जीरा, सौंफ, पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये अजवाइन। और अब इसमें मैंने एक नमक नहीं डाला हुआ, नमक भी डालूँगी। और फ्रेंड्स, तो अब मैं बनाती हूँ पकोड़े। और कैसे बनाऊँगी, ये ले लिया है 250 ग्राम के करीब मैंने ये बेसन ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, और दो कड़छी इसमें हम सूजी की डाल देंगे, 250 ग्राम बेसन, दो कड़छी हमने इसमें सूजी की ले ली है। और अब इसमें हम डाल देंगे ये जो मैंने आलू काटे थे, ये मैंने आलू इसमें डाल दिए। आलू को हल्का सा ही उबालना है, क्योंकि हम कच्चे नहीं रखेंगे आलू को। जब कोई 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 कच्चे आलू भी इसमें ऐसे करके डालते हैं, पर मैंने इसको उबाला हुआ, उबाले आलू आलू ही मुझे अच्छे लगते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच मिक्स मसाला होता है जो किचन किंग का, और ये डाल दूँगी मैं हल्दी 1 चम्मच, और ये भुना हुआ जीरा, और 1 चम्मच इसमें अजवाइन। और सबसे मेन चीज रहेगी इसमें ये सौंफ, और ये सूखा पिसा हुआ धनिया, ठीक है जी। और अब डालूंगी मैं इसमें ये नमक, आप इसमें हरी मिर्चें वो भी डाल सकते हैं, हम मिर्चें ज़्यादा कम खाते हैं तो हमें इसमें मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। और अब इसको घोल लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ उसका।
हरा धनिया होगा तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, आपके मन पसंद इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। और आप सबसे बाद में डालूंगी मैं इसमें ये हींग और सोडा। अब इसमें डाल दूंगी ये हींग और ये खाने वाला सोडा। इसमें सूजी जो है वो भी ज़्यादा मतलब भीग के डबल हो जाएगी वो, इसलिए आप ऐसे ज़्यादा इसमें पानी डालकर इसको ढककर रख दें 15-20 मिनट के लिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये जो तेल है ना सरसों का तेल, ये सरकारी डिपो में ऐसे ही मिलता है, काला काला सा लग रहा है, इसमें काला सा कुछ है। और दूसरी साइड रख दी मैंने चाय बनाने के लिए। आधा किलो शिमला मिर्च 40 रुपये किलो, टमाटर, ये अदरक और ये मम्मी ले आए अखरोट, और ये 30 रुपये की फड़ी की सब्जी, और ये 100 रुपये के 1.5 किलो दे रहे थे तो वो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए, और 1 किलो ये गया, और ये है दूध, तो बड़ा चक्का ये है दूध, 100 रुपये का दूध है ये 2 किलो। अच्छा। और ये है धूप जलाने के लिए कॉटन के, जो मैं बाती बनाती हूँ उसके लिए। और ये सामान लेके आए हम, और ये मक्की लेके आए हैं, और कानों को मैंने सेब धोकर कानों को वो दे दिया, और एक किसने खा भी लिया। और ये ले आई मैं एक पैकेट माचिस का, और ये ले आई मैं चाय मसाला, और ये है 1/2 किलो सूजी, और ये है 1.5 किलो मैदा, और ये है काली मिर्च। ये सामान लेके आई मैं, सब्जियां लेके आई, एक सब्जी ये फड़ी वाली और एक शिमला मिर्च वाली, ये भी किलो है इसमें, और एक घिया, 3 सब्जियां लेके आई, और एक फ्रूट लेके आई, और एक टमाटर लेके आई, और अदरक। हाँ।
और ये दूध। और मेरी मम्मी आए हुए, उनका पर्स पड़ा हुआ रखा हुआ परे, और अभी देखते हैं। और ये कोटल ले आई मैं, चूल्ही कैसे रखी, चूल्ही कैसे रखी, मंडी लगाई है वो खा लेते हैं, है ना। क्या क्या करना,